सी किस्म के ड्रामे हैं? मैंने तो आजकल वैसे ही ड्रामा टीवी देखना छोड़ दिया, लुकिंग एट दिस एंड लाइक व्हाट द हेल इज दिस। हां ना, तू क्यों अनकही और तन्हाइयां ढूंढ रही है आज के ड्रामे में? क्या यही कुछ हो रहा है हमारी सोसाइटी में? शनाज, मैंने भी रिसेंटली देखा हम गांव के सच्चे थे और दोबारा, और अभी रिसेंटली वो एक क्या था, दो टके की औरत। मेरे पास तो ऐसे ही बात कर रहा है। हां या कोई औरत शहर की अदनान के साथ तस्वीर बनाए, कैप्शन आता है मेरे पास तुम हो। इतनों के पास है तो घर पे कब रहता है? एक्चुअली उस ड्रामे का जो उनका पॉइंट था वो ये था ना कि वो एक इतना डिजायरेबल कैरेक्टर था कि जिसके पास हर औरत जाना चाहती है, तो यू नो बट स्टिल तो पॉइंट वही था ना, अदनान सिद्दीकी के पास पैसे थे तो उनके पास चले गए। और मुझे एक बात बताओ, क्या ये नॉर्मलाइज कर ले? नहीं, आजकल के जमाने में ऐसा होता है, तभी तो वो दिखा रहे हैं ना हम आजकल। नहीं, सारी जिंदगी से ये होता रहा होगा। व्हाट वी आर टॉकिंग इज कि क्या वाकई जो सब कुछ होता है या जो सारी गलाजत है आपके आसपास, आप उसको टीवी पे ला के नॉर्मलाइज कर लेंगे? नॉर्मलाइज नहीं है, मेरा ख्याल है आजकल यार दैट कैरेक्टर वाज सो ग्लोरीफाइड, पीपल स्टार्टेड लाइक, उनकी फैन फॉलोइंग देखो, उनके पेजेस देखो, पीपल आर लाइक लविंग द कैरेक्टर। मुझे लगता है जब सारा दिन आप काम, अपनी चीजें, घर के सारे प्रॉब्लम से फारिग होके कुछ ऐसा देखे ना जिससे आपका माइंड थोड़ा मुझे यास्मीन ये बताओ कि तुम जब पूरे काम से फारिग होके जब तुम सोचती हो कि रिलैक्स, क्या वाकई ये जो सास बहू की सियासतबाजी, घरेलू पॉलिटिक्स, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, डज दिस एक्चुअली अनवाइंड यू? नो, सो आई विल टेल यू समथिंग, मेरी ड्रामे की सिलेक्शन जो है ना वो अपने हिसाब की होती है। जैसे मैं आजकल संगे माँ देख रही हूँ, मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है उसमें ये फैक्ट, स्टोरी तो ट्राइबल है पर मुझे आतिफ असलम को एक्ट करते हुए देखते हुए फनी भी लगता है और अच्छा भी लगता है। पीपल लाइक यू, यू आर फॉलोइंग दैट सेलिब्रिटी कि जो अगर अच्छी एक्टिंग कर रहा है या जो भी है तो। और एक और पॉइंट है उसमें, वो इतनी अप नॉर्थ की स्टोरी है कि आई मीन मैं ना वहाँ कभी गई हूँ ना मैंने कभी सुना है, तो वो ड्रामा एक मीडियम है जिससे मुझे वो साइड पता लगता है। बट सी देन अगेन दैट इज नॉट व्हाट यू आर यूज्ड टू, ट्रू राइट? तो वही मेरी वाली बात कि जो आपका सोसाइटी का एलिमेंट जो बार बार एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, हाउसमेट्स के साथ अफेयर, सास बहू की पॉलिटिक्स, ये दिखा दिखा के और लोगों को भी तो, लेकिन सास बहू की पॉलिटिक्स तो एक बहुत ही आम सी बात है, हर घर की कहानी है। बट द थिंग इज व्हाई डू वी हैव टू गेट इनटू द घर की कहानी, मतलब आई मीन फातिमा सुरैया भजिया वुड ऑलवेज गिव अस द प्लेस जिसमें एंड में शादी होना फर्ज होता था और किसी का बड़ी अच्छी वाली शादी, हां किसी ना किसी ढोलक वाली जो थे वो मोहब्बत जरूर होती थी। बाय चांस YouTube पे वो एक आ गया मेरे सामने एपिसोड और लाइक मैंने वो पूरी पूरी 13 किस्तें देख के अनकही सो आई वाज कि वो 13 किस्तें तो देखी गई एक रात में मैंने देखी। नो, द थिंग वाज जैसे धूप के नारे में भी उस वक्त दैट वाज द टॉपिक दैट देयर इज अ वेरी यंग फीमेल and an elderly doctor and he she falls for but it but that love story but was so subtle ha and it was it's shown us kitni pyari tarah se ki wo aapko odd nahi lagta lekin aap dono mujhe ek baat bata ji farmaye pehle ke zamane ye jo wo zamane ki aap log baat kar rahe an kahi dhoop kinare tu paida ho gayi thi yaar aap tab isi kisam ki mohabbatein thi na ha hum thode मॉडर्न हो यार। मॉडर्न का मतलब ये है कि वो जो हीरो है वो 90s पे नो बट नाउ सी जो हमारा टीवी पे हीरो है वो तो 90s का शाहरुख खान बना हुआ है। ये क्या, आई डोंट अग्री विद दिस थिंग। 90s का शाहरुख खान कैसे, और हम क्यों उसे शाहरुख खान से कंपेयर करें हमारे एक्टर से? हां तो नहीं, मैं कैरेक्टर की बात कर रही हूं कि वो जबरदस्ती लड़की की जान ना छोड़े, आखिर में लड़की भी कहे ओ जी कितना प्रेजिस्टेंट है तो ये तो प्यार ही करता है। नहीं, ये क्या परिजात की बात कर रही हो? नो आई डोंट, उस बेचारे को सच्चा प्यार नहीं मिला। सच्चा प्यार तो, सच्चा प्यार तो यहाँ हमारे यहाँ चार बच्चे हैं, सच्चा प्यार नहीं मिलता। मैं बहुत खुश होंगी अगर हमारी ड्रामा इंडस्ट्री जो के एक जमाना था कि इस खत्ते में साउथ एशिया में अगर हम सोचें तो हमारी ड्रामा इंडस्ट्री वाज लीडिंग। देन केम एन एरा जब हम स्टार प्लस में चले गए, स्टार प्लस में चले गए, अब हमारी लड़की, अब हमारी घर में औरत उठेगी भी फॉल्स आईलैशेस के साथ? अरे ये तो होता है ना हमारी सोसाइटी में हो रहा है। व्हाट आई एम आस्किंग इज जो टीवी पे दिखा रहे वो फिर नॉर्म नहीं है ना? नॉर्म है, मैं कैसे अब मेरी अपनी है अल्हम्दुलिल्लाह लैशेस, बट औरतें जाके लगवाती हैं और सोती भी उसके साथ है, उठती भी उसके साथ है, तो हो गई ना। एग्जैक्टली, तो भाई वही बात कि नॉर्मलाइज होती जा रही है ना मीडिया के थ्रू, एक्सेप्टेंस
Yeah, but the thing was is, the world has changed now. That is love. For the worse. I don't know for the worse or the better. Yeah, it's like mujhe baat artificial world. ER, but TV has evolved for the worse. Shows like ER, Grey's Anatomy, inke baad, aap dho kinare wali mohabbat kyun karenge? सोच तो ना करे पर दो टके वाली मोहब्बत भी ना करे चार्म तो था ना उसने अपना चार्म था कि इट्स नॉट अबाउट द मोहब्बत ओनली इट्स अबाउट द कंटेंट एज वेल आई मीन मुझे कोई ये शौक भी नहीं कि बिल्कुल ही दुखी किस्म की आप चीजें देखते हैं यू नीड टू बी हैप्पी एंड यू नीड टू बी रिलैक्स्ड एंड एवरीथिंग बट बिल्कुल ही एक ही मतलब मैंने तो जब कभी गलती से कोई अपनी अम्मा अब्बा के घर टीवी चलते हुए देखा उसमें रोती हुई खवातीन या ऐसी इंट्रीगिंग बातें कि इसको और वो जो नजरें और पीछे से जो चल रहा होता है एंड यू लाइक स्टाइल यू हैव टू क्रिएट पीपल हु आर सो नेगेटिव कि आप सिर्फ दूसरों की बुराई सोचे मतलब द फेमस ड्रामे का प्लॉट भी अब सेम हो चुका है प्ले आई थिंक व्हिच आई सॉ वाज हमसफर एंड देन उसके बाद हां समबडी रिकमेंडेड दास्तान आई थिंक खैर वो ऑब्वियसली गुड लुकिंग हीरो की वजह से तो देखना भी था चलो ठीक है बनता है फिर तो देख लिया तो आप टर्किश ड्रामा देख लेती उसके बदले प्लीज अर्तुगरुल द ग्रेट की तो मैंने एक किस देखी उसमें लोगों की गर्दनें कटते कटते बस जैसे मैंने देखा वो बट मुझे उसका जो कंटेंट था उससे ज्यादा मुझे वो जो कैरेक्टर्स की जो एक्टिंग थी ना वो they were in the character yeah, even the villain so called villain I was in love with the character even Atif Aslam is in character now the stories are changed but there were times ki jab wo bajiya ya hasina appa jab character likhti thi aur wo naye artist bhi aate the Mareena Khan when she came in with the kabacha character I still feel that our childhood memories are attached Haseena Moin ka shayad drama tha आप लोगों ने देखा होगा नहीं कोहरा नाम का आया था उस आदमी जो एक्टर है अभी पता नहीं कौन सी मूवी ले आई थी मुझे ये ड्रामा ये देखती है चाय ये जाती है लंच ये जाती है पावर ना एक्स्ट्रा नॉलेज इज मुसीबत पहले भी पता थी कौन सी रिलीज हुई थी तो मैं नहीं पता बताओ बट अगेन कमिंग बैक चलो यार इसका तो कोहरा ड्रामा ठीक है कोहरा ड्रामा था जिसमें एक नया सा एक्टर था उसको एक्टिंग के नाम की एबीसीडी नहीं आती और उसकी हीरोइन मरीना खान थी आई मीन सॉरी शी वाज जो फिल्में याद है उससे इसकी एज मुझे तो समझ आ गई है फैशन भी बदल गया ना हमारे ड्रामों का पहले टीजे के कपड़े पहने जाते थे उस वक्त तक दो तीन ही हाउसेस थे जो रेडीमेड कपड़े बनाए जाते थे आई स्टिल रिमेम्बर दैट सिल्वर जुबली वेयर बेंजामिन सिस्टर्स आई मीन दे यूज्ड टू वेयर ऑल दोस थ्री सिस्टर्स एक जैसे कपड़े टीजेस के कि ड्रामा जिस भी ईयर एरा में बने आप जो ट्रेंड फॉलो हो रहा होता है उसी को करते हैं तुम ट्रेंड ही तो फॉलो यार मैं नहीं मानती ये ट्रेंड नहीं है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स कोई आज के नहीं है सास बहू की लड़ाई कोई आज की नहीं है लेकिन टीवी पे दिखा के नॉर्मलाइज करना शायद आज की बात हो गई कोई भी चीज या कोई भी फॉर्मूला हिट हो जाए तो लोगों को लगता है उसमें बैकिंग करना चाहिए इंडिसेंट प्रपोजल फॉलोड बाय अनफेथफुल द मूवी उसके बाद मेरे पास तुम हो कभी अलविदा ना कहना एवरीथिंग बट आई गेस ये सब कुछ साथ चलता रहा होगा बट समवेयर एक चीज अगर फॉर्मूला हिट हो गया उसको बस फॉलो ही ना करते कुकी कटर या यू नीड टू हैव समथिंग एल्स गोइंग कुछ द वर्ल्ड इज गोइंग फॉर यू कुकी कटर सब चीज देखनी है ये फॉर्मूला वर्ड बड़ा इंटरेस्टिंग है ये फॉर्मूला पे क्या याद आया बोल हमारे साथ कुछ ऑडियंस भी अटैच है और हमने बिल्कुल ना कोई ऑडियंस को इंटर एक्ट किया उनके साथ ना कोई हमने वो दी बाय द वे मैं दोबारा से सलाम आप सबको और हमेशा की तरह यास्मीन और आमना हमारी गुफ्तगू जब चल पड़ती है तो हम बस नो फिल्टर हो जाते हैं हाँ नो फिल्टर ही है तो रुक जाते बट थैंक यू वेरी मच हमेशा की तरह हमारे साथ होने का मजीद हम डिस्कशन करते हैं और आपके भी पॉइंट्स हम चाहेंगे कि हमारे पास आते रहें
हाँ मुझे ये बताओ तुम्हें फॉर्मूला पे इतनी क्यों हंसी आ रही है यार? तुम लोग ने पता नहीं रिसेंटली ये बात देखी थी टीवी पे नहीं के एक एंकर ना कर यास्मीन ना कर ये बात आई थी और इन्हें बोले फॉर्मूला वन एग्जैक्टली इवन मैं भी दो मिनट के लिए कंफ्यूज थी कि मुझे अंग्रेजी आती है नहीं उस बेचारी के तो मियां भी उसका मजाक उड़ाने लगा दैट वाज रियली मे बी फनी और व्हाटएवर कोई वाली बात है ड्रामा हो या आपका कोई टॉक शो है या एनीथिंग अगर आप किसी चीज पर डिस्कशन करें तो उसका रिसर्च हमारा वीक है बहुत वीक है हम कोई काम नहीं करना चाहते नहीं आई हैव नोटिस फ्रैंकली मैंने ना टीवी से देखना बंद किया था कि आप अगर एक टॉक शो लगाओ उसमें लोग लड़ रहे हैं ड्रामा लगाओ उसमें लोग लड़ रहे हैं जो चीज लगाओ मतलब कोई आराम से बात नहीं कर सकता द फनीस्ट वॉज कि मैं आई डोंट नो किसी हॉलीडे पे मैंने कमरे में टीवी लगाया हुआ था इन द होटल रूम एंड आई रियलाइज कि लोग इतनी तमीज से एक दूसरे से बात कर रहे हैं जो होस्ट है वो भी और जो गेस्ट भी है तो मैंने कहा यार ये कौन सा चैनल है जिसमें लोग इतनी आराम से बात कर रहे हैं तो देन आई चेक तो वो पीटीवी था सो आई वाज लाइक ओ अभी भी गवर्नमेंट ने इनको तमीज से रखा हुआ है नो यू नो जब पॉलिटिक्स वाले जब भी शोज आया करते थे तो मैंने उनका नाम रखा था मैंने कहा कार्टून नेटवर्क शुरू होगा बिकॉज वो लड़ना झगड़ना ही था मैं आप लोगों को अगेन एक रेफरेंस दूंगी एक ड्रामा आ रहा है तू लगता है टीवी हमें दिखा के छोड़ेगी इश्क ला नाम है उसका उसमें एक बहुत ही लोअर मिडिल क्लास भी नहीं लोअर क्लास की लड़की दिखाया गया एंड शी इज ड्रेस्ड अप लाइक दैट ओके तो मुझे लगता है कुछ प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स फॉलो करते हैं लाइन बट यस यू आर राइट देयर आर सर्टेन ड्रामास अच्छा फिर अब एक सीरियल आ रहा है बेबाक अब उसमें ये जो ये मैंने क्यों नहीं देखा देख अब तू भी वैसे खासा अब दिस कैरेक्टर दिस वन गर्ल ये एक लड़की चार एक वक्त में चार अलग अलग मर्दों के साथ इसका एक रिलेशनशिप कह लूं या आज की लड़की यार आज की लड़की और वो बट कौन कौन सा दौर है वैसे उसमें धन है जो वो चार सोचो सो क्या ये हम चाहते चार शादियां भी की है उसने अभी की नहीं मतलब कोशिश में वो पूरी है आई मीन इज दिस व्हाट आवर सोसाइटी इज फॉर ऑब्वियसली इट्स नॉट लाइक दैट इट्स जस्ट लाइक समथिंग जो आप अपने से क्रिएट कर लेंगे वो एक फार्मूला हमने बना दिया ये तो कोई बहुत ही वियर्ड फार्मूला है ऐसा वियर्ड फार्मूला है बस वैसा ही है जैसा उन्होंने पूछा था कि ये अभी ट्रायल पे बनाया है आपने अभी एक बंदा बैठ सकता है बाद में चार बैठ लेंगे ये बिल्कुल ऐसा ही है ड्रामा वो ही दिखाता है जो हो रहा होता है उसमें से कोई फार्मूला नहीं माय पॉइंट इज ग्लोरीफाइड नॉक दिस इज माय थिंग ठीक है आई अंडरस्टैंड सो दैट वे तो आप वाइफ पे नहीं ट्रस्ट करना वाइफ बीटिंग भी ग्लोरीफाई ही हो रही है मैं वही बात कर रही हूँ ना लेकिन ये रियल इश्यू है बट जब हमारा कैरेक्टर जो उस ड्रामा का लीड कैरेक्टर होता है जब वो बहुत ज्यादा वायलेंट होता है तो वो हीरो है उसको देख के और बहुत सारे लड़के हैं जो उसी ट्रैक पे चलते हैं मेरा अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है कि ड्रामा हर क्लास के लिए बनाया जाता है एजुकेटेड क्लास के लिए भी अनएजुकेटेड क्लास के भी मास प्रोडक्शन है ना हो गई सब देख रहे हैं आप इंटरप्रेट कैसे करते हैं उसको मेरे पास तुम हो का कॉन्सेप्ट क्या था लेस फॉर्चुनेट वुमन वांटेड टू गेट मैरिड टू अ मोर फॉर्चुनेट गाय यस अग्रीड व्हिच हैपेंस इन रियलिटी एज़ वेल अग्रीड बट माय पॉइंट इज कि मैं उसके लिए भी यही कहती हूँ कि हम ग्लोरिफिकेशन दे रहे हैं ना टीवी पे इसी तरह की चीजों को यू आर एंडोर्सिंग एवरीथिंग कि भाई ये ठीक है और देखो आई माय पॉइंट ऑफ व्यू इज यू आर प्रोजेक्टिंग व्हाट इज हैपनिंग आई थिंक यू आर प्रोजेक्टिंग व्हाट इज हैपनिंग बट यू आर ग्लोरीफाइंग इट एंड यू आर मेकिंग इट एक्सेप्टेबल टू ईच देयर ओन आई थिंक इट्स द वे यू इंटरप्रेट समवेयर आई फील कि हम उसकी एक्सेप्टेंस का रेशियो जो है वो बढ़ा रहे हैं पर्सनली मुझे ये लगता है कि हमारा टीवी एक इंडस्ट्री था वो अब कहीं भेड़ चाल की नजर टीवी चैनल्स भी तो इतने आगे हैं वो इतने आईडिया कहाँ से लाए हम जो ऑडियंस देखेगी वही वो प्रोड्यूस करेंगे तो हमारी कहीं तो ऑडियंस का भी कुछ हो रहा है ना द टाइम्स हैव चेंज्ड ना लोगों के पास नाउ देयर द टिकटॉक स्टार्स हु वॉच दिस 10 सेकंड्स ऑफ थिंग्स उनके पास टाइम नहीं है मैं बट ऑन द अदर एंड 40 एपिसोड भी आ रहे हैं या बट 40 एपिसोड में एक्साइटमेंट इज देयर ना
हमारे मैं आई एम स्टिल फॉर दोस प्लेस. चलो जी घर भी जाना है. चलो जी डन. तो थैंक यू वेरी मच. बहुत अच्छा रहा डिस्कशन हुआ. अब हो सकता है किसी दिन तू मैं और यास्मीन बैठ के कोई नया ड्रामा ही देख रहे हो. सब लिस्ट भेजेंगे ड्रामों की, सास बहू की लड़ाई देखेंगे. थैंक यू वेरी मच. आई एम श्योर हमारा कंटेंट आप सब पसंद करेंगे. हम और भी बहुत अच्छी अच्छी चीजें लाएंगे. तो प्लीज मत भूलिएगा लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर एंड डू शेयर द कमेंट्स एंड टेल अस व्हाट टॉपिक यू वुड वांट गिव अस योर फीडबैक कर सके. ठीक है. एंड द बेल आइकन एंड हिट द बेल आइकन. घंटी जरूर बजाइएगा.